बस्मिल्ल राम मैं हूं सैबी काजमी नाजिम मेरे साथ सीनियर तजिया नगार हारून ऋषी साहब आपको पता है आ, पाकिस्तान के बड़े मरूफ तजिया नगार हैं मैं जल्दी जल्दी आपके सामने जो काजी फ़ायद साहब के मामले इसको शेख ऋषी साहब की गिरफ्तारी को इसके अलावा जो इस वक्त बहुत बड़ी बड़ी पेशरफ अमरीकी काउंसल्स की मीटिंग्स हो रही हैं इमरान खान के केसेस हैं ये तमाम चीज़ें मेरे साथ मौजूद हैं हरूण साहब बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का डायरेक्ट सवाल पे आता हूँ काजी साहब ने हलफ उठाया नून ली के रहनमाम माजी में बरमला कह चुके हैं कि ये तब तक नहीं आएंगे मियाँ साहब वापस नहीं आएंगे फिर नैब तरामीम केस हैं अदालती महाज़ पे सा, सा, साइफर केस है हैं नैबलका है तोहिने इलेक्शन कमीशन है नवे दिन में इलेक्शन का मामला है तो काजी फायज साहब के सामने सारे मामला वो क्या कर सकते हैं देखिए बात यह है के काजी साहब फ़ायदी साहब के बारे में तफ़ात बहुत हैं इल्जाम भी हैं उनके मुखालफिन बहुत इल्ज़ाम लगाते हैं लेकिन हम अंदेशे पर जजमेंट नहीं दे सकते जब वो काम शुरू करेंगे उदैबिया पेपर मिल्स के बारे में तो बेशर लोगों का ये ख़्याल है एतजाज़ अहसन समेत के हालांकि एतजाज़ अहसन की रिकमेंडेशन पर ही उन्हें बलूचिस्तान हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस लगाया गया था तो वो तो क्लोज एंड शट केस था उसमें एक उसमें कुछ चौवन सफ़े का बयान था इसहाक डार और ए, उसमें सारी शहादतें मौजूद थी काजी ख़ानदान के पासपोर्ट इस्तेमाल हुए थे उनके नंबर थे उसमें सारी डिटेल्स थी तो वो क्लोज एंड शट केस था उसके बारे में तो ये कहा जाता है और वो हमेशा ही रहेगा तो आप असूल यह है कि जज की नीयत पर वो नहीं दे सकते राय नहीं दे सकते आप मतलब आप देखते हैं कंटेंट्स को देखते हैं फैसले को देखते हैं और मतलब उस पर नकनीति के साथ तबसर कर सकते हैं तो ये तो कहा जाता है उनके मखालफी कहते हैं कि वो शरीफ ख़ानदान के साथ उनका मरासम है ये भी इल्ज़ाम है कि भाई वो मनी ट्रेल नहीं दे सके उनकी अहलिया की जो जायदाद थी उसका जिक्र भी नहीं किया उन्होंने लेकिन ये सब माजी के किस्से हैं अब ये देखना होगा दूसरी तरफ ये भी वाक़ है कि जो धरना हुआ फैज़ाबाद में उसमें जब वो धरना ख़त्म हुआ उनकी फौज की जमानत पे हुआ के उनके मुतालबात पर गौर किया जाएगा और वापसी का किराया उन्हें दिया गया तो उन्होंने बहुत जबरदस्त फैसला दिया और भी बाद फैसले उन्होंने ऐसे दिए हैं जो बड़ी जरूरतमंदी के मधर है और आइंदा भी दे सकते हैं तो जब वो अभी ये फैसले सादर, फैसले सादर करेंगे खास साहब के, के भी उसी में शामिल है ना देखिए जज वो होता है जो अपने तसुबात से आज़ाद हो जो अपनी ज़ात से ऊपर उठकर सोच सके वो अपनी जात से ऊपर उठते हैं ये नहीं ये फैसला होगा ये उनके फैसले बोलेंगे उसमें ये सोशल मीडिया पे फैसला हो सकता है ना मीडिया पे फैसला हो सकता है ये जब वो फैसले करेंगे तो फिर देखा जाएगा फिर राय दी जाएगी फिर तारीख तो किसी को माफ नहीं करती और कुदरत भी किसी को माफ नहीं करती मामले तो फिर अल्लाह के बारगाह में पेश होते हैं और वहां से फैसला सदर होता है जमीन पर तो इंसानों की किस्मतों के फैसले नहीं होते तो जब वो खान साहब के केसेस जो हैं वो तो एवरीबॉडी नोज के फॉल्स हैं या ज्यादातर आप कह सकते हैं फॉल्स हैं बहुत कम फैसले हो गए हल्का अलकादा ट्रस्ट तो कोई केस ही नहीं है वो तो बहुत पहले ये नहीं। जो वो एक मिलियन डॉलर का मामला वो पाउंड का मामला उससे पहले और एक सौ मिलियन पाउंड भी सुप्रीम कोर्ट के खजाने में गए खान साहब को तो नहीं मिले वो नहीं? बाद मामला में वो कसूरवार भी हो सकते हैं खान साहब अब ये दूसरी बात ये है कि तना काजी साहब को तो फैसले सेदर नहीं करने अगर उस कानून को मान लिया जाता है अब वो फुल कोर्ट के पास है कि चीफ जस्टिस मोटर नहीं लेंगे और तीन सीनियर जज करेंगे और तो बाकी जज भी शरीक होंगे और फुल कोर्ट तो बहरहाल फुल कोर्ट है अगर फुल कोर्ट एक ऐसा फैसला करती है जो खुन नजर में सही ना हो लेकिन सुप्रीम कोर्ट या आखिरी अदालत है उसका फैसला तस्लीम करना पड़ेगा एक और नुकता यह है कि आइन इस बात की जमानत देता है ये अपना डिवीजन ऑफ पावर का जो तस्वर है उस पर हमारा आइन उसबार है कि अदलिया पार्लिमान में मुदाखलत नहीं कर लेगी करेगी पार्लियामानदलिया में मुदाखलत नहीं इसी तरह इंतजामिया मुदाखलत, मुदाखलत नहीं करेगी अब शरीफ ख़ानदान का ट्रैक रिकॉर्ड यह है कि वो अदालत को तकसीम करने की कोशिश करते हैं उन्होंने जजों को अहदे दिए हैं एक को सदर बनाया दो तीन को सेनेटर बनाया जिस की वाली अली मशहूर है शहबाज शरीफ साहब ने जो की थी इसी तरह वो अदलिया को तकसीम करना चाहते हैं फौज को पंजाब पुलिस बनाना चाहते हैं अब होगा क्या माशरे का दबाव भी होता है और बार एसोसिएशन का भी रोल है वो कला हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे रहेंगे और फिर बात मैं हूं कि जब वो फैसले करेंगे तो देंगे ना अभी अहम तो सवाल है, कि आपको पता है की तो ख्वाहिश थी कि वो तमाम जब तक पूरे ना हो जिस तरह वो डी जी आई एस आई का हो चाहे आई बी का हो चाहे काजी फायद साहब का अब निगरान हुआ वज़रा अभी इसमें जो मामलात है अब आपको लगता है कि उनका आना मुमकिन हो सकता है नहीं ख्वाहिशात तो नहीं कुरान मजीद कहता है कि दुनिया इंसानी ख्वाहिशात की चरागा नहीं है उनकी ख्वाहिशात आदमी की पूरी होती रहती है फिर आखिर में क्या होता है आखिर में सीजर की लाश पड़ी थी और एंटनी ने कहा ऑल दिस ग्लोरी मैर अंजाम देखना होता है नवाज नसर खान साहब ने एक दफा कहा था उनके पास आए 93 में दो आदमी पीपल्स पार्टी कहा काफ़िक न करें आपके डब्बे में 25,000 वोट डाल देंगे तो उन्होंने कहा मैं खुद से दुआ करता हूं कि मेरा अंजाम बखैर करे आप मेरा अंजाम ख़राब करने की कोशिश न करें तो वो देखो अल्टीमेट डीन क्या होता है ये तो फैसले किसी एक आदमी के या एक ग्रोह के हाथ में तो नहीं है तो वो अपना सारे उनके हाथ में फैसले हो रहे हैं तो जो आसमानों पे बैठा हुआ है और जो हमारी शहर से करीब है तो वो इंसानी तकदीरों के फैसले करता है ये इंसान करते हैं उसने अपनी दुनिया किसी के हवाले तो नहीं कर दी वोट कहाँ से लाएंगे फ़र्ज कीजिए हुकूमत बना भी लेते हैं मान लीजिए हुकूमत बना लेते हैं बोल तो मैं नहीं मानता मुझे मुझे, मुझे ये समझ में नहीं आता कि इलेक्शन इन हालात में कैसे हो सकते हैं इमरान खान साहब से कहा जा रहा है कि वो या जेल में रहेंगे या जिलावत न होंगे वो तो जेल में रहने के लिए तैयार हैं जिलावत न होने के लिए तो वो तैयार नहीं है तो वो डट के खड़े हुए हैं हमाला की तरह और जो जो सर्वे हैं उसमें सत्तर बहत्तर फीसद उनके वोट हैं तो कैसे कर लेंगे और कर लेंगे चलिए कर लिया हुकूमत बन गई हुकूमत चलेगी कैसी ये नहीं ये चीज़ों की कीमतें बढ़ाते रहेंगे महंगाई होती रहेगी और करप्शन इसी तरह जारी रहेगी करप्शन से तो नहीं बाज आ सकता शरीफ ख़ानदान नजरदारी खानदान बाज आ सकता है तो हुकूमत कितने दिन चलेगी और ये मामला जो है वो बहुत ख़राब इतना हो जाएगा लोगों के सब्र की एक आखिरी हद होती है तो वोटिंग वाले दिन कौन रोकेगा जी वोटरों को हुँ? आप पार्टी पर पाबंदी लगा दें बल्ले का निशान खत्म कर दें इमरान खान को जेल में रखे तो इलेक्शन ही नहीं है उस इलेक्शन को कौन मानेगा और उसकी मॉरल अथॉरिटी के हुकूमत को एक मिनिमम मॉरल अथॉरिटी चाहिए होती है वो पहले ही बहुत कम है बिजली चोरी तो रोक नहीं सकते टैक्स वसूल नहीं कर सकते दुकानदारों से टैक्स नहीं लेना बिजनेस मैन से आधा टैक्स लेना लाहौर वालों से बिल्कुल नहीं लेना कराची वाले टैक्स दें तो पुलिस की हालत है पुलिस को पुलीस खुद बिगाड़ लिया है तो अगर ये सब कुछ करेंगे तो कितने दिन हुकूमत करेंगे जाहिर है ये खात्मा खैर होगा उनका तो ये ऐसी अंदेशों में पड़ने की दूसरी बात यह है कि कोई कौम जो है कोई फौज मुल्क की हिफाजत नहीं करती कोई अदलिया नहीं करती कोई पार्लियामेंट नहीं करती कौम किया करती है जिस कौम में शौर हो और शुरूर बहरहाल कुछ न कुछ पैदा हुआ है और मजीद पैदा करने की ज़रूरत है पीटीआई वाले गलती कर रहे हैं इमरान खान के हमें गालियाँ बकते हैं गालियाँ बकने से किसी का मुकदमा दुरुस्त नहीं हो जाता दलाल देने चाहिए अगर शाइस्तगी के साथ आइन के हदूद में रहते हुए जद्दोजहद ज़्द जारी रखें इबला कोई बुरी चीज़ नहीं होती इब्तला तो पैगम्बरों में भी आती है तो पैगम्बरों का क्या कसूर होता है जनाब सालत साल से भी अभी तालब में रहना पड़ा और तयफ़ का वाक़ हुआ और नौहद का वाक़ा हुआ तो ये तो इससे तो कैपेसिटी इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए इसे इस कैपेसिटी बिल्डिंग होती है इसमें घबराने की कोई बात नहीं है किसी कॉम पे आजमाइश आती है और अतबार में पड़ती है कोई कॉम तो उसी से उस पर मौा पैदा होते हैं अपॉर्चुनिटी भी क्राइसिस में ही होती है अच्छा अरुण साहब यहाँ पे बड़ा अहम नुकता तहरीक इंसाफ के लोग आपने कहा ठीक है वो गालियां देते लेकिन इमरान खान के केसेस पे परेशान है कब तक खान साहब की रिहाई हो सकती है केसेस खत्म होंगे खान साहब के हमियों को परेशान होने के बजाय अमली बनानी चाहिए रोने से नहीं कभी किसी को कोई मसला वक्त फिर वो क्या बना सकते हैं बहुत सारी हिमत अमली हो सकती है वो आप द हैंड में क्या अर्ज कर सकता हूँ बहुत सारी हमत हो सकती है काली पट्टियां बांध ले घरों पर काले झंडे ही लगा दें घरों में खामोश होकर बैठ जाए घर भेज दिया था तीन दिन घरों से नहीं निकले थे तो तो तशद जो है वो अच्छी चीज नहीं है तो तशद अच्छा जी ट्वेंटी हुई हिंदुस्तान में खारजा मैदान में पाकिस्तान की तनहाई है चित्राल से बलोचिस्तान तक अमन है ग्रेटर खेल यूक्रेन का मामला है तो क्या जब तक इंटरनेशनल मामला ठीक नहीं होंगे पाकिस्तान में भी क्या मामला बेहतर नहीं हो सकते ठीक होंगे ना जब तब्दीली आएगी तब्दीली के लिए काम करना चाहिए तो ये क्या इंटरनेशनल तब्दीली आएगी दुनिया के हालात बदलेंगे नहीं इंटरनेशनल तब्दीली का क्या मतलब है ईरान को कोई इंटरनेशनल तब्दीली से कोई फर्क नहीं पड़ता अफगानिस्तान को नहीं पड़ता क्यूबा को नहीं पड़ता जो जिन रियासतों में खुददारी होती है और जहां लोग जो हैं वो उठ के खड़े हो जाते हैं वह फिर मैं कहता जमहूरी और आईनी तरीके से तो वो अपना पाकिस्तान का मुस्त पाकिस्तान के तो दफा का भाई बहुत कुछ न साब चीन पे एक लाख आर्मी उन्होंने इंडियन बॉर्डर पर डप्लाई की हुई है और सी पैक चीन की ज़रूरत है सी पैक नहीं माइंड अप हो सकता है ये किसी को मुगलता है ना एडमी प्रोग्राम माइंड अप हो सकता है वो चाहते हैं अरब के पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम तो कर ले इसलिए कि वो तस्लीम करेंगे तो उनके पास जवाब होगा कि जब आडमी पाकिस्तान ने मान लिया तो हम क्या कर सकते हैं लेकिन ये है कि कौम अगर बेदार होगी और अगर कौम सोई रहे और हर आदमी दूसरों से ये तो रखे कि कोई गैब से कोई शहसवार नमदार होगा या जुमे की दुआओं से जो है मसला हल हो जाएगा तो इस तरह तो नहीं होता इंसानों के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करते हैं अच्छा अरुण साहब शेखीद की भी गिरफ्तारी हुई इसके अलावा मुफाहमत की भी बातचीत चल रही है इमरान खान के अलावा आपको एक बड़ा अहम स्टेक होल्डर है तो अगर ये मुफाहमत का सिलसिला आपस में नहीं बनता कोई दरमिया रास्ता निकल तो मामला किधर जाएंगे और निकले गए ना जी जिस आदमी के सत्तर फीसद वोट है उससे बात करनी पड़ेगी इमरान खान वो आदमी है जो चार मैच हार गया था आपको याद है और फिर उसने वर्ल्ड कप जीत लिया था उसको गोल्डी ने फोन किया हमारा भी दोस्त है गोल्डी उसका भी सबसे पुराना दोस्त है सबसे अच्छा दोस्त है तो उसने कहा कि तुम यूरोप चले जाना और पाकिस्तान ना दो चार छः महीने उसने कहा तुम क्या बात करते हो मैं तो वर्ल्ड कप जीत के आ रहा हूँ शौकत खाना में उनतीस डॉक्टर थे तीस तीस डॉक्टर थे मशवरे के लिए बुलाए गए तो उनतीस ने कहा कि बन ही नहीं सकता तीसवीं ने कहा बन सकता है चल नहीं सकता वो जो अंग्रेज एडवाइज़र था एक यूरोपियन था याद अंग्रेज था उसने कहा कि नहीं हो सकता खान साहब उसने कहा ये होगा और वो हुआ लोगों के पास चला गया जब कोई काम जायज़ होता है सही होता है तो कुदरत मदद करती है शर्त यह है कि आप तवक्ल तो से काम लें और पाकिस्तान जो है वो कैसे बना था सारी दुनिया खिलाफ थी अंग्रेज खिलाफ थे कांग्रेस खिलाफ थी नेशनलिस्ट खिलाफ थे अबुल कलाम आज़ाद खिलाफ थे गफ्फार खान खिलाफ थे फजल खिलाफ थे और बहुत जा, जागीरदार खिलाफ थे फिर क्या हुआ था तो फैसले इंसानों ने थोड़ी करने होते हैं लेकिन ये है कि भाई अगर आप जद्दोजहद ना करें घर में बैठ के गिरिया करते रहे और डिप्रेशन शिकार रहे तो फिर तो जाहिर है कामयाबी कोई नहीं हो सकती अच्छा ये भी हारून साहब क्या हमने रॉक बॉटम हिट कर लिया है कि मैशत तबाह बर्बाद है डॉलर आपको पता है कंट्रोल से बाहर है पेट्रोल बिजली गैस अब जो इदारा उठाए तबाह बर्बाद हो चुके हैं तो क्या इस तकरीब में तामीर है क्या हम रॉक बॉटम पर पहुंच चुके हैं मेरे ख्याल में अभी तो कुछ होगी कितने दिन होगी मैं नहीं कह सकता लेकिन ये बात सही नहीं है कि हालात कभी इतने ख़राब नहीं थे हालात सैंतालीस अड़तालीस में से कहीं ज़्यादा ख़राब थे एक करोड़ आदमी ने हिजरत की थी दस लाख आदमी कत्ल हो गए थे मुशर्की पाकिस्तान में इससे कहीं ज़्यादा ख़राब थे पाकिस्तान टूट गया था तो उस वक्त भी ज़ाहिर है हालात ख़राब थे पाकिस्तान में कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि दो चार सौ मिलियन डॉलर रह गए सरकारी खजाने में उससे फिर पाकिस्तान संभलता है पाकिस्तान का एक मनवर मुस्तबिल है जिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती और जो सिर्फ अवामल को देखते हैं और अवामल को भी कहाँ देखते हैं कुदरत के कुछ कवानीन है जुल्म हद से बढ़ता है तो मिट जाता है अच्छा अरुण साहब अभी हमने देखा अफगानिस्तान के साथ भी मामला अचानक बदले हैं क्या ये अमेरिका करवा रहा है कि अभी एकदम फॉरन एक्ट लगाया इन्होंने बच्चों को पकड़ना शुरू कर दिया अचानक ट्रेड रुक गई मामला के वहां दहशत कर दी नहीं जाती लेकिन सारी इधर आ जाती है तो मसला क्या है वहां मसला नहीं है ना मसला च... ओहो वहां मसला नहीं है यहाँ तो वो सो कार्ड उनका एक गलत कॉन्सेप्ट है खरासान में जिसको वो कहते हैं यानी पश्चोन बेल्ट में वो बलाना चाहते हैं हुकूमत अपना तशद के जरिए तो ये बाजवा साहब का कारनामा कि उन्हें आने की इजाज़त दी और तालिबान जो हैं वो ख़िलाफ़ हैं लेकिन पाकिस्तान के हाथ खाली तो नहीं है यानी अमारात इस्लामी अफगानिस्तान जो है उसमें भी इंतकाम का जज्बा है और वो कहते हैं कि हमारे साथी हैं और हम इनके साथ मिलकर लड़ें और जो अमारात इस्लामी अफगानिस्तान पर इंडियंस का इंफ्लुंस है तो वहाँ एक खास मजहबी मकतबे फिक्र है और वो मजहबी मकबे फिक्र इंडिया में जो है वो अपना इंडियन इस्टेब्लिशमेंट की हमायत करता है हमेशा तो इसलिए वो उसका एक बात यह है कि वो अपना इसका हाल है इससे कहीं ज्यादा टेररिज्म था हफ्ते में तीन से पांच बड़े धमाके होते थे सत्तर हजार आदमी मर गए थे उतने संगीन तो नहीं है और ये फौज इतनी इनकॉम्पिटेंट तो नहीं है कि इनको निपटा नहीं सकती इनको सरद पार भी निपटा सकती, सकती है यहाँ भी निपटा सकती है और ये इनको निमटा देगी इसमें दे और के इसमें पूरी हासिल होगी अच्छा अरुण साहब अभी अली मोहम्मद अली दुरानी भी लगे हुए हैं कुछ और लोग भी आपको पता है मालूम तक भी होंगी सारी कि दरमिया रास्ता निकालने के लिए मुफायमत के लिए जिसमें मसाक जमूरियत हुआ या इस तरह कोई मामला बना के इमरान खान के साथ बैठ जाए कोई बातचीत करें तो ऐसा मामला हो सकता है आपके ख्याल साहब तो बार आशकश कर चुके हैं बैठ सकते क्या मतलब है वो तो बार आशकश कर चुके हैं अभी वो नहीं करना चाहती लेकिन एक वक्त आएगा करेगी इसके चारा क्या है आप इकहत्तर का मैं आपने शेख मुजीब रहमान को निकाल फेंका था और वहाँ एक मसनू हुकूमत बना दी थी तो आज बावन साल के बाद भी शेख मुजीब रहमान तो इकतदार में है उसकी बेटी इकतदार में है तो वही इकतदार में है ना वो मेजोरिटी लीडर को इस तरह माइनस नहीं किया जा सकता ये मुमकिन नहीं है। अच्छा मरियम तो अपने को मना कर दे जो आखरी है। आपको क्या लगता है नवाज साहब का मुस्तबिले क्या नवाज शरीफ कोई मुस्तबिल नहीं है नवाज शरीफ एक थका हुआ दरमादा आदमी है हाई ब्लड प्रेशर का मरीज है मेमरी उसकी जवाब दे चुकी है दिल से दिमाग को जाने वाली रग कमजोर है ब्लड प्रेशर है गुर्दे खराब है ठीक तरह से वो चल नहीं सकता पिछली दफा क्या वो हुकूमत कर रहा था इसहाक डारे पे इन्हसार पे था और इसहाक डार बुरी तरह नाकाम हुआ अब उसको तो नहीं अपना वो सौंपेगा अब तो यही फार्मूला हो सकता है फर्ज कीजिए वो वीरअजम बन भी जाए तो शहबाज शरीफ चलाएंगे शहबाज शरीफ इस्टेबलिशमेंट की मर्जी से चलाएंगे और तन वह हुकूमत बना नहीं सकते फर्ज कीजिए बना लें हरीफों के साथ मिलकर बना लें तो हलीफों के साथ मैं मिले बग़ैर तो नहीं बन सकती तो वो भी रसुआ होंगे हलीफ भी रसुवा होंगे उसके नतीजे में नाकाम होंगे और ये इमरान खान ही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है उनकी बात हो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुफाहमत होनी चाहिए खास साहब के हम काम खराब कर रहे हैं सिर्फ इस्टबलिशमेंट नहीं कर रही मुगल क्यों पकते हैं मुगल आजाद हैं तो आप दूसरों को एजिटेट करते हैं तो फिर उनमें भी इन के जज्बा पता होते हैं दलील लेना आपके पास की कोई कमी है आप कहें फिर सीधी सीधी बात करें फेयर एंड फ्री इलेक्शन और उसके लिए गालियां बकने की क्या जरूरत है मैं तो कहता हूँ नारे लगाने की भी जरूरत नहीं है सिटेन करें फर्ज कीजिए कहीं धरना दें और एक नारा भी ना लगाएं तो जब आप सही हमत अमली इख्तियार नहीं करते हैं, तो उसके नजो तो गजब में थोड़ी हेकमत अमली बनती है बिल्कुल सही अरुण साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त